खबर राजधानी देहरादून से है, जहां हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी द्वारा गौवंश की तस्करी करने के आरोपियों का समर्थन किया है, जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गौकशी करने वालों का समर्थन कर रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या गौवंश का वध करने वालों के साथ में है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ में खड़ी है। भाजपा हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के अंदर कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई अन्य पार्टी हो, अगर गौ हत्या करने वालों का, गौवंश को समाप्त करने वालों का साथ देती है, तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी का पूरी दमदारी से विरोध करेगी और ऐसे तत्वों को जन जन में ले जाकर के बेनकाब करेगी। और हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप गौ हत्या करने वालों के साथ हैं या गौ माता की रक्षा करने वालों के साथ हैं, ये स्पष्ट करें।